hello بچو let's read the question the question here says that diversification in plant life appeared four options are given a due to abrupt mutations b suddenly on earth d c by seed dispersal d due to long period of evolutionary changes so the key concept used here is diversification in plant life डायवर्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट स्पीसीज हैं वो इवॉल्व होती हैं और अर्थ के अक्रॉस वो स्प्रेड हो जाती हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डायवर्सिफिकेशन तो अब बात कर लेते हैं एक एक ऑप्शन की तो ऑप्शन ए है ड्यू टू एब्रप्ट म्यूटेशन तो क्या डाइवर्सिफिकेशन एब्रप्ट म्यूटेशन की वजह से होता है एब्रप्ट म्यूटेशन मतलब कि अचानक से चेंजेस मतलब कि सडन चेंज सडन जो म्यूटेशंस होते हैं या फिर सडन चेंज बोल ले उसको बोलते हैं एब्रप्ट म्यूटेशन तो ये होता है अगर प्लांट के डीएनए में चेंज हो जाए अचानक से लेकिन ये अगर म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन कंट्रीब्यूट करता है जेनेटिक वेरिएशन में अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है जेनेटिक वेरिएशन होगा तो डाइवर्सिफिकेशन होगा तो ये तो हमारा पॉजिटिव आंसर हो गया तो अब बात करें बी की बी है सडनली ऑन अर्थ क्या डाइवर्सिफिकेशन अचानक से अर्थ पर हो जाता है तो जो साइंटिस्ट ने अपने अपने एविडेंस दिए थे वो ये सपोर्ट करते हैं कि जो प्लांट का डाइवर्सिफिकेशन है वो धीरे धीरे हुआ है और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है ये इसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इन्वॉलमेंट है रेदर देन सडनली तो ये सडनली नहीं हुआ था ये इवोल्यूशनरी है ईवोल्यूशनरी है प्रोसेस ये स्लोली हुआ था तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होता है अब सी की बात करें तो सी है बाय सीड डिस्पर्सल तो जो सीड डिस्पर्सल का जो सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज़म है वो ये कंट्रीब्यूट करता है कि प्लांट जो है प्लांट स्पीसीज़ हैं वो अलग अलग इन्वामेंट में उनका स्प्रेडिंग हो अलग अलग इन्वायरमेंट में फैल जाए तो इसी को तो डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं तो जो हमारे सीड हैं ये क्या करते हैं ये स्प्रेड करते हैं प्लांट स्पीसीज का एक न्यू एनवायरनमेंट में अब डी की बात करते हैं तो डी हमारा सबसे करेक्ट है जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे ज़्यादा सही यही बता रहा है कि जब लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस तब जाके डायवर्सिफिकेशन हो पाता है प्लांट का लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ये एक नेचुरल सिलेक्शन होता है इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है म्यूटेशन होता है अडाप्टेशन होता है अलग अलग इन्वायरमेंट में राइट आंसर इज डी ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस डेट्स इट फॉर द क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक